हेलो एवरीवन, आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर 10 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंदर हम लोग 10 उन क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे, यानी हम उन 10 क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे जो सबसे ज़्यादा बार हिस्ट्री में पूछे गए हैं TPA के अंदर। और ये क्वेश्चंस को हमने काफ़ी घंटों बैठ के खाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर रिसर्च करी है, बहुत सारे स्टेट की, MP की, UP की, राजस्थान की, बिहार के, कई स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर्स को हमने खंगाला है TPA के। दिल्ली का भी हमने खंगाला, लेकिन दिल्ली में हमें मिला नहीं, तो कई स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज के पेपर को हमने खंगाला है। उनके खंगालने के बाद उनमें जो कॉमन क्वेश्चंस थे, जो कॉमन क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं हर स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज में, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 10 क्वेश्चंस निकाले हैं TPA के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इनको हमने इस ऑर्डर में लगाया है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। हालांकि ये सारे क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं हैं, इसके बाद हो सकता है कि हम इसका पार्ट 2 बना दें जिसमें हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें TPA के अंदर, लेकिन इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे TPA के जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन जो पूछा गया है TPA के अंदर किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज के अंदर, जो हमने खंगाला है मेरी रिसर्च के हिसाब से, वो है सेक्शन 53A ऑफ TPA, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है, जनरली जो लोग पढ़ते हैं TPA या कोई भी टॉपिक आप कवर करते होंगे, तो अब जैसे आपको पता चला कि डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ सेक्शन 53A के अंदर दी गई हुई है, तो आप क्या करेंगे, बुक खोलेंगे, सेक्शन 53A देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, उसके एसेंशियल्स देख लिया, कुछ केस देख लिया और बस आपने सोचा सफिशिएंट हो गया। लेकिन आप सुनिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आप ये समझ पाएं कि आपको असल में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में कवर क्या करना है। तो इस चीज़ से, इसके क्वेश्चन को जानने से आपको ये चीज़ पता चलेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में सबसे पहले पूछा गया है, ये एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पूछा गया, सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, अब उसी में फुल स्टॉप लगाने के बाद आगे लिखा जा रहा है conditions for its application, फिर आगे लिखा जा रहा है does it confer any title on transferee, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या doctrine of part performance जो है transferee के ऊपर कोई title confer करता है। ये भी पूछ रहा है who can avail this doctrine, इस doctrine का इस्तेमाल कौन कर सकता है, can its benefit be denied to the transferee whose right for a specific performance has become time barred। अब आप सोचिए कितनी चीज़ें सेक्शन 53A के अंदर पूछी गई हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सेक्शन 53A की डॉक्ट्रिन को समझा, एसेंशियल्स देखें, दो चार केस देखें, हमने सोचा सफिशिएंट, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है। अब सोचिए क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछ लेगा, एक क्वेश्चन के अंदर इतने ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जा रहा है और आप लिख के आए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपने उसके एसेंशियल्स लिख दिए, आपने केसेस भी लिख दिए, आपने सम आपको पता है आपने कितने नंबर का क्वेश्चन अटेंड किया है, सिर्फ 2 नंबर का, तो अब आप कितना नंबर एक्सपेक्ट करते हैं, 1 नंबर या 1.5 नंबर, क्योंकि जब एक क्वेश्चन के अंदर इतने ढेर सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप खाली डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करते हैं तो बाकी का क्वेश्चन कहाँ गया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हालांकि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर केसेस भी डाल देंगे कि आप वहां से कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो है वेस्टेड इंटरेस्ट, सेक्शन 19 ऑफ TPA। वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत बार पूछा गया है और हर स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज में बार बार पूछा गया वेस्टेड इंटरेस्ट सेक्शन 19 के अंदर। अब इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैन इट बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट जो है अनबॉर्न पर्सन के इंटरेस्ट में क्रिएट की जा सकती है, या क्वेश्चन ऐसा भी बना है कि वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन ऐसे भी बना है। अब ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, अब तीसरा
हम लोग समझ लेते हैं सबसे ज़्यादा पूछा गया हुआ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है मॉर्गेज के ऊपर, सेक्शन 58। अब मॉर्गेज के ऊपर पूछता है सबसे पहले मॉर्गेज के मतलब के बारे में, कितने टाइप के मॉर्गेजेस होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है, जैसे पूछ लेगा कि डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड इंग्लिश मॉर्गेज, इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो ये हो गया हम लोगों का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मॉर्गेज का। सबसे पहला हमने क्या बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट और तीसरा मॉर्गेज। अब इसके बाद आता है चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन, वो है टीपीए का सेक्शन 14, रूल अगेंस्ट परपेचुटी। हालांकि इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, मॉर्गेज के ऊपर भी हम वीडियो बना के कवर कर चुके हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को भी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन जितना डिटेल में क्वेश्चन है हमने उतने डिटेल में नहीं कवर किया है, हो सकता है कि उसको भी हम पार्ट में बना के कवर कर दें। तो अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुटी सेक्शन 14। अब लेकिन रूल अगेंस्ट परपेचुटी की जब बात आ जाएगी तो आप उसको भी सिर्फ उसके रूल को समझ लेंगे कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी क्या होता है, कैसा लिखा जाता है, इलस्ट्रेशन क्या होता है, लेकिन आप समझिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है। और ये क्वेश्चन फ्रेम होना खाली एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कई स्टेट के अंदर देखा है कि सेम तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है रूल अगेंस्ट परपेचुटी का। ये क्या किस तरीके से फ्रेम होता है, एक्सप्लेन रूल अगेंस्ट परपेचुटी विद इलस्ट्रेशंस, फिर उसके बाद बोल रहा है कि एंड एक्सेप्शंस इफ एनी। अब सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुटी के अंदर बोल रहा है कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी, तो आप बताइए ही बताइए, साथ में इलस्ट्रेशन भी दीजिए और अगर उसके कोई एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, तो उनको भी मेंशन करिए। तो ये हम लोगों का था 1, 2, 3 चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद पूछा गया है सेक्शन 3 से जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, उसके अंदर से क्वेश्चन कई बार बहुत सारे पूछे जाते हैं, कई इंटरप्रिटेशन है, कई चीज़ों की डिफिनेशन है, जैसे उसमें से पूछी जाती है सबसे नंबर 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें ये भी पूछी जाती है कि अटेस्टेशन क्या होता है, कई बार पूछे गए हुए क्वेश्चन है ये सब, ये भी पूछ लेता है कि नोटिस क्या होता है, और नोटिस के अंदर पूछ लेता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। तो ये पांचवा सबसे ज्यादा बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। फिर छठा आता है हम लोगों का सबसे ज्यादा बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन टीपीए के अंदर सेक्शन 6। इस क्वेश्चन सेक्शन 6 के अंदर बताया गया है कि किस तरीके की प्रॉपर्टी यानी कौन सी प्रॉपर्टीज जो है एक्चुअली में ट्रांसफर हो सकती है। तो सेक्शन 6 कहता क्या है कि कौन सी प्रॉपर्टीज जो कहता है, सेक्शन 6 कहता है कि सारे तरीके की प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो सकती है जो उसके अंदर एक्सेप्शन दिया गया है उनको छोड़िए। तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड, इज देयर एनी एक्सेप्शन टू इट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सेक्शन 6 से बहुत क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। अब सेक्शन 6 के बाद आता है दूसरा, इसके बाद सबसे ज्यादा पूछा गया हुआ क्वेश्चन, वो है सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के अंदर ये भी पूछ लेता है कि वन कैन अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट। तो सेक्शन 35 आप समझ लीजिए मोटा मोटा कि सेक्शन 35 जो है इसी 10 की लिस्ट के अंदर है जो सबसे ज्यादा बार पूछे गया हुए में से है। फिर एक आता है क्वेश्चन सेक्शन 13 ऑफ टीपीए, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन और डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, इन दोनों को ही हम कवर कर चुके हैं टीपीए के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी टीपीए की प्लेलिस्ट खोलिए और उसके अंदर जाइए, आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया वो है राइट ऑफ रिडेम्पशन सेक्शन 60 ऑफ टीपीए, राइट ऑफ रिडेम्पशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ लेता है कैन दिस राइट बी कर्टेल्ड और हु कैन एक्सरसाइज दिस, यानी कौन एक्सरसाइज कर सकता है राइट ऑफ रिडेम्पशन सेक्शन 60। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे शॉर्ट में पूछ लेता है और उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं, जैसे लीज के बारे में सेक्शन 105 लीज के बारे में पूछ लेगा, लीज के अंदर जैसे आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, होल्डिंग ओवर आ जाएगा, एक्सचेंज आ जाएगा।
अब हम देखेंगे कि और इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टीपीए के, उनको पार्ट टू में कवर कर देंगे। ये जितने टॉपिक्स हमने अगर बताए आपको, अगर आपने कवर कर लिए तो समझ लीजिए 65% आपका टीपीए कवर हो गया। मेरे हिसाब से 60-70% टीपीए आपका कवर हो गया, क्योंकि ये बहुत ही हैवी सब्जेक्ट है। हालांकि हमें पता है कि अभी गिफ्ट बचा हुआ है, जिसके अंदर यूनिवर्सल डोनी और जो ऑनरस गिफ्ट है उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं ऑनरस गिफ्ट के ऊपर, लेकिन इनके कंपैरिजन में बहुत हल्के टॉपिक हैं, इजी भी हैं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। मार्शलिंग बचा है, सबरोगेशन बचा हुआ है, तो इतना अगर आपने कर लिया तो 60-70% आपका कवर हो गया है। उनमें से भी पूछता है लेकिन इनके कंपेयर में वो लेस इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो हमने इसके अंदर लिखे हैं, ये हमने अपने हिसाब से सोच के नहीं लिखे हैं, ये हमने रिसर्च करे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसके बाद इनको हमने फ्रेम किया है।